अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस। दिस इज़ इम्तियाज़ मलिक और हम कर रहे हैं NCERT सीरीज़ ऑफ साइंस, जिसमें हमने क्लास 9th की केमिस्ट्री शुरू कर रखी थी। इसके टोटल 4 चैप्टर थे, आज हमारा लास्ट चैप्टर है जो हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, नेम्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि SSS ऐप पे आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे, साथ ही साथ JEE के लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं वो सब कोर्सेज आपको मिलेंगे। आप SSS ऐप विजिट कीजिए और इन कोर्सेज को अवेल कीजिए। और अभी तक अगर आपने SSS ऐप डाउनलोड नहीं की है, आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी ये, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम इस यूनिट की बात करेंगे। तो हमें पढ़ना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग लोगों ने ये स्ट्रक्चर दिए और फिर इसकी एक प्रेजेंट शेप बनी हुई है। हमें वो प्रेजेंट शेप ही अच्छे से पढ़ना है, वहीं से हमारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया था एटम का, वो दिया था थॉमसन ने, जिसको हम बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। इन्होंने बोला था कि ये जो एटम है ये एक स्फेरिकल इन शेप है, मतलब बाल जैसा है, और जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो क्या है, एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और जिनका चार्ज है नेगेटिव। मतलब इन्होंने कंपेयर किया इसको वाटरमेलन के साथ, वाटरमेलन के साथ इन्होंने क्या बोला, जैसे वाटरमेलन में व्हाइट कलर का जो होता है, इन्होंने बोला जो नहीं रेड कलर का, रेड कलर उन्होंने बोला वो है पॉजिटिव चार्ज, और उसमें जो बीज होता है ना वाटरमेलन में, उस बीज को इन्होंने कंपेयर किया किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन जिसका नेगेटिव चार्ज, और जो बाकी व्हाइट कलर का है वो है सारे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने ऐसा कुछ मॉडल दिया था, बट ऐसा एक्चुअल में था नहीं, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। देन दूसरा मॉडल दिया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, ये काफ़ी एडवांस था एज कम्पेयर टू द थॉमसन मॉडल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि पूरा का पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया जिसमें प्रोटॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उस न्यूक्लियस का जो है चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और जिसका चार्ज क्या है, नेगेटिव है, और ओवरऑल एटम क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। बट इसके भी काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे, इसलिए ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा। जो अभी सक्सेसफुल मॉडल है एटम का है वो है बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। आपको ये बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को अच्छे से समझना है तो समझ लो आपने एटम का स्ट्रक्चर जो है ना प्रॉपरली समझ ले। तो हम इसी पे डिटेल में बात करेंगे कि इस पे बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम का, इसी को हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। बोहर्स ने क्या किया, सबसे पहले इसने बोला कि जो एटम है इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। वो कौन कौन से पार्टिकल्स है, नंबर 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इन 3 पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो क्या मतलब है कि एटम इन 3 पार्टिकल्स का बना है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना है, वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था JJ थॉमसन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कितना चार्ज है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसी तरीके से प्रोटॉन, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन। कभी कभार ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। प्रोटॉन का क्या चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, और वो है कितना, प्लस में आएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है जी। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, इसने इसको डिस्कवर किया है चादविस्की ने, चादविस्की ने, ठीक है ना। इसका कोई चार्ज होता है, बिल्कुल नहीं, ये न्यूट्रल होता है, बट इसका मास होता है, समझ आ रही मेरी बात। तो ये 3 पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानोगे कि किसने डिस्कवर किए हैं, किसका चार्ज है, किसका चार्ज नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता। बट अगर मास की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन is equal to approximately equal to mass of neutron, but इनके comparison में electron का mass बहुत ज़्यादा कम होता है, उसको negligible माना जाता है।
जो प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन का मास है, वो है कुछ 1.6 × 10⁻²⁴ kg है, और इलेक्ट्रॉन का है वो है 9 × 10⁻²⁸ kg। तो ये काफी ज्यादा छोटा है, इलेक्ट्रॉन का मास काफी ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसलिए जो मास माना जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं किया जाता, बल्कि मास जो काउंट किया जाता है वो काउंट किया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो पहली बात, पहला पास्टुलेट आपने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का क्या देखा कि एटम बना है तीन पार्टिकल्स का, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स का। दूसरी बात क्या है कि इसका एक न्यूक्लियस होता है, एटम का एक न्यूक्लियस होता है, ये एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है जिसमें क्या होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर शेल्स में घूम रहे होते हैं। ये दूसरी बात है, ठीक है ना, याद रखना। प्रोटॉन ये जो न्यूक्लियस है इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एटम। तो दूसरी बात क्या समझ ली आपने कि एटम का न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में कौन से दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये दो चीजें सीख ली अभी आपने। तीसरी बात, एनर्जी लेवल्स आर शेल्स। देखो जो हमारे पास एटम है, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसके बाहर कुछ शेल्स है, क्या है शेल्स है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, इन्हें हम क्या बोलेंगे, शेल बोलेंगे या फिर एनर्जी लेवल बोलेंगे। अब अगर इनकी बात करेंगे, ये अगर न्यूक्लियस है, यहां तक मानते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियस है, ये पहला शेल आया, पहला शेल, ये वाला दूसरा शेल, ये वाला तीसरा शेल, ये वाला चौथा शेल, ठीक है ना, इस तरीके से शेल्स हैं इसके, इनके नाम है। जो पहला शेल है इसको बोलते हैं हम एल शेल, ठीक है ना, के शेल, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, के शेल। जो दूसरा शेल है इसको बोलते हैं हम एल शेल, तीसरे शेल को क्या बोलते हैं एम शेल, चौथे को एन, इसी तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। फिर पांचवें को क्या बोलोगे, ओ, छठे को पी, इस तरीके से शेल्स है। इन शेल्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। इसमें सबसे कम एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी होती है वो होती है के शेल की, के शेल की, जिसको हम एक से भी नोट, ये एक है ना, इस एक को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपने क्वांटम नंबर अगर सीखा होगा तो क्वांटम नंबर्स में जो क्वांटम नंबर को हम एन से नोट करते हैं, एन बराबर होता है 1, 2, 3, 4 या 5 या 6 के। 1 है इसका मतलब पहले शेल में है, एन अगर 2 है मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में, एन अगर 3 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, तीसरे शेल में। तो ये शेल है जिनको हम डिनोट करते हैं के एल एम एन ओ पी से, ठीक है भैया। इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी, के शेल की। दूसरे शेल में जाओगे ये के शेल आया, ये आया एल शेल, इसमें एनर्जी और ज्यादा, ये एम शेल में और ज्यादा, एन शेल में और ज्यादा, जितना बाहर चले जाओगे शेल्स में एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, और जितना अंदर आते जाओगे शेल्स में एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। चौथी बात है, लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल। जो ये शेल है, जैसे न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये फिर दूसरा शेल है, दूसरा शेल ये वाला पहला मानेंगे, ये दूसरा शेल रहा, फिर ये तीसरा शेल रहा, ये जो शेल्स है इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस पर एक लिमिट रहती है। वो लिमिट का एक फार्मूला याद रख लो ना, वो क्या, 2 × n² अगर n 1 है, अगर n 1 है मतलब फर्स्ट शेल है, मतलब कि k शेल है, तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसमें मैक्सिमम, 2, n कितना आया 1² तो 1² 1 आया तो 2, मतलब पहले शेल में, मतलब k शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एडजस्ट हो सकते हैं, 2। अगर हमारे पास दूसरा शेल लो, मतलब एल शेल, एल शेल के केस में हमारा एन कितना होता है, एन होता है हमारा 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर का फार्मूला क्या है, 2 × n² तो एन है हमारा 2, तो 2 × 2² 2² कितना आया, 2 × 2² आया 8, 2² आया 4, और 4 × 2 = 8, मतलब दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होंगे। अब एल के भी के और एल हो गया। अगर एम शेल की बात करें, एम शेल मतलब थर्ड शेल, थर्ड शेल,
अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, तो हमारे पास आता है ना 2 × 10^2, और n इस समय क्या है, थर्ड है, तीसरा शेल है, 2 × 3^2 आएगा 2, तो कितना आएगा 2 × 3 = 9, वो आया कितना 32, यानी 18 हुआ, 9 × 2 = 18, तो तीसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब अगर चौथा शेल में n शेल मतलब फोर्थ शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फार्मूला 2 × 10^2, तो फोर्थ शेल है 2 × 4^2, अब आया 2 × 4^2 कितना आया 16, तो 16 × 2 = 32, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 8, तीसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 18, चौथे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 32। इसी तरीके से किसी भी शेल में आपके पास मालूम करना हो कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो सकते हैं, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, फार्मूला है 2 × 10^2, n है वो शेल कौन से, पहला है, दूसरा है या तीसरा है, इसी तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। क्वेश्चन आ जाएगा कि इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, तो ये तरीका है निकालने का। अगली बात, चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो अब आपको मैंने पहले ही बोला कि ये हमारे पास न्यूक्लियस रहा, न्यूक्लियस में n से डिनोट करूंगा, इसके बाहर शेल है, पहला शेल ये, दूसरा शेल ये, तीसरा शेल, डायग्राम बहुत खराब है, होपफुली आप एडजस्ट कर लोगे, ये चौथा शेल, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। याद रखना, जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स शेल में है, फिक्स शेल में है, तब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना ही इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ आ रही मेरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट है तो ये अपने फिक्स शेल में घूमता रहेगा। अगर सपोज इलेक्ट्रॉन जो है ना फर्स्ट शेल में कहां पर है, यहां पर है, और इसकी एनर्जी क्या हुई, इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई, अगर इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल, ठीक है ना, तो ये फर्स्ट शेल से कहां जाएगा, सेकंड शेल में, फिर से अगर एनर्जी इंक्रीज होगी ये फिर शिफ्ट हो जाएगा सेकंड शेल टू थर्ड शेल, फिर थर्ड शेल टू फोर्थ शेल। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी ये बाहर वाले शेल्स में चलता जाएगा, पहले शेल से दूसरे शेल में, दूसरे शेल से तीसरे शेल में, इस तरीके से चौथे पांचवें ऐसे चलता जाएगा। बट अगर इसकी एनर्जी कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है, तो ये कहां हो जाएगा, अगर फोर्थ शेल में है तो ये चला आएगा किस में, थर्ड शेल में, अगर थर्ड शेल में है तो ये गिर जाएगा कहां, दूसरे शेल में, और अगर दूसरे शेल में है तो ये गिर जाएगा कहां, पहले शेल में, तो यहां इस तरीके से ये गिरेगा। मतलब ये है, अगर फिक्स शेल में एनर्जी फिक्स है तो जिस शेल में है उसी शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा, एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये आउटर शेल में शिफ्ट होता जाएगा, और एनर्जी अगर डिक्रीज होगी ये इनर शेल में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हैं कुछ चीजें जो हम एटम्स के बारे में जानते हैं। एक बार क्विकली रिवाइज कराऊंगा मैं, क्या है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। सिंपल है कि जो एटम है ये बना है तीन पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का। दूसरी बात ये है, इसमें जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ये सेंटर में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं किसमें, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये जो रिवॉल्व करते हैं इनका एक फिक्स शेल्स होते हैं, फिक्स शेल्स में ये रिवॉल्व करते हैं, उन शेल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, दो तरीके, या फिर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, तो या तो फिर कैसे करेंगे, KLMNO इस तरीके से हम इनको डिनोट करेंगे। अच्छा जी, ये जो शेल है इनको क्या बोलते हैं, इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। सबसे कम एनर्जी कहां पर होती है, फर्स्ट शेल में होती है, के शेल में, जैसे जैसे बाहर जाओगे एनर्जी लेवल इंक्रीज होगी। उसके बाद तीसरी बात आई कि इनको एनर्जी लेवल्स बोलेंगे। चौथी बात यह है या पांचवी बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होंगे, ये इन जो शेल्स है ना इनमें जो लिमिट है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, कि
के फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही किसी एक शेल में रह सकते हैं। वो लिमिट कैसे है, 2 × 10^2। फर्स्ट शेल होगा मतलब फर्स्ट शेल होगा तो ये आया 1, 2 × 1 का स्क्वायर वाया 2, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा शेल होगा तो 2 × 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8, तो दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 आएंगे। तीसरा शेल होगा मतलब 2 × 3^2, 3 का स्क्वायर आया 9, 9 × 2 = 18, तो तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अगर ये फार्मूला रखोगे ना यार तो आपको ये नंबरिंग नहीं भूलेगी, वरना रटा मार लोगे तो भूल जाओगे। फोर्थ शेल है तो क्या आएगा, 2 × 4^2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 = 32। इस तरीके से अगर हमारा फिफ्थ शेल है तो 2 × 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आया 25, 25 × 2 कितना हो जाएगा 50। इस तरीके से शेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो सकते हैं। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये किसी फिक्स शेल में रिवॉल्व करते हैं तो इनकी एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई तो ये आउटर शेल में मूव होंगे, और अगर इनकी एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये इनर शेल की तरफ मूव होते रहेंगे। तो ये है बोहर मॉडल ऑफ एटम। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। ये जो एटॉमिक नंबर है इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। सबसे पहली बात किससे डिनोट करते हैं, जेड से। जेड क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। किसी एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं वो इसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। सपोज अगर एक एटम में प्रोटॉन्स कितने हैं, सिर्फ एक है, तो हम बोलेंगे इसका एटॉमिक नंबर जो है ये 1 है। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो हम बोलेंगे ये हाइड्रोजन एटम। इसी तरीके से अगर किसी एटम में प्रोटॉन्स कितने हैं, वो 2 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 2, तो हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है इसका 2। और जब एटॉमिक नंबर 2 होगा ऐसे वाले एटम को हम हीलियम कहते हैं। इसी तरीके से अगर किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो, 11 हो, ये मेरा फेवरेट है, 11 वाले, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर जेड कितना है, 11 है। ये कौन सा है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ये होता है हमारा सोडियम। तो इस तरीके से आया हमारा एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को सबसे पहले बात करें तो इसको डिनोट करते हैं हम ए से। किसे डिनोट करते हैं, ए से। मास नंबर होता क्या है, मास नंबर ए बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक एटम में, एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो उसका मास नंबर कहलाता है, उसको डिनोट करते हैं हम ए से। समझ आ रही मेरी बात, बिल्कुल सिंपल है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो। अब जो हमारा एटम है, कोई भी एलिमेंट है, सपोज मैं एलिमेंट को एक्स से डिनोट करूंगा, तो इसको यहां पर, इसको कैसे डिनोट करते हैं, यहां पर लिखेंगे हम जेड, मतलब यहां पर रहता है इसका एटॉमिक नंबर और यहां पर रहेगा इसका मास नंबर ए। ये इसका क्या है, तरीका है लिखने का। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल बता दूं, हमारे पास, हम बोलते हैं ना कार्बन 12 एटम, कार्बन 12, इस कार्बन का ना प्रोटॉन्स कितने होते हैं, इस कार्बन के प्रोटॉन होते हैं 6 और न्यूट्रॉन होते हैं 6। अब अगर देखा जाए, ये लिखा मैंने कार्बन सी, प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर 6 है तो मैंने लिखा 6, मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितना है, 12, तो इसका मास नंबर आया 12, वो मैं लिखूंगा यहाँ पर 6C12। तो ये आया इसका कार्बन एटम को लिखने का तरीका। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम 1H1 भी लिखते हैं, मतलब एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। या फिर 1H2, इसका मतलब एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। या फिर 1H3, एक प्रोटॉन होगा, दो न्यूट्रॉन होंगे। सपोज अगर आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, कोई भी एलिमेंट है, मैंने एक्स से डिनोट किया, उसका एटॉमिक नंबर है कितना, 20 लिखा मैंने, और उसका मास नंबर है सपोज 54। आपको बोलना है कि इसमें बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं। आप जानते हो कि ये 20 है, इसका मतलब ये प्रोटॉन्स है, ये जो 54 है ये है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो आप कैसे निकालोगे, आप जानते हो कि ये जो 54 है ये है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब नीचे 20 दिया है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स है, मतलब प्रोटॉन कितने आए हमारे पास, 20 आए, तो न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। तो हम न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास आया 54 = 20 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर आएगा 54 - 20, वो जाएगा कितना, 34। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएंगे, हाँ 34 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन या कुछ निकाल सकते हो। तो ये है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस किस तरीके से हम किसी एटम के
अरेंजमेंट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को इन वेरियस शेल्स में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है बल्कि क्या है, अरेंजमेंट है किन का, इलेक्ट्रॉन्स का, अलग अलग शेल्स में। सपोज मैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा, हमारे पास एक एटम होता है हाइड्रोजन, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वन होता है। हाइड्रोजन का मतलब जेड इक्वल्स टू वन, और इसमें हम याद रखना जितने एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जितना चार्ज पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसलिए न्यूट्रल होता है। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होंगे तब उसको हम एटम नहीं, तब उसको हम आयन कहते हैं। इफ क्या याद रखना, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब जो ये चीज है, ये जो एटम है ना, ये एटम नहीं, इस एटम को फिर आयन कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, देखो हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर वन है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, इसका मतलब इसके जो शेल्स हैं कौन कौन से, के एल एम एन। देखो पहले इसमें पहले ही शेल में, देखो न्यूक्लियस पहले ही शेल में देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, मतलब एटम कुछ ऐसा बनेगा, ये एक यहाँ पर होंगे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और पहले शेल में ये न्यूक्लियस मान लो, पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व होता है। अगर हमारे पास क्या है, हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, टू है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो पहले शेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो दोनों को दोनों के शेल में होंगे, तो एटम कैसे बनेगा, ये मैं मानूंगा ये न्यूक्लियस है इसका, और ये पहला शेल है, इसी शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहेंगे, तो ये रहेगा हमारा हीलियम, ये आएगा हमारा हाइड्रोजन। इसी तरीके से अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम का सिंबल होता है Li, इसका एटॉमिक नंबर होता है थ्री, मतलब तीन प्रोटॉन और तीन इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें तीन है तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और दूसरे मतलब एल शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो एटम कैसे बनेगा, एटम कुछ ऐसा बनेगा, ये न्यूक्लियस रहेगा, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स और फिर दूसरे शेल में इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब अगर कोई थोड़ा सा बड़ा लेता हूं मैं, सपोज मैं कार्बन लेता हूं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, सिक्स है, तो इधर कैसे होगा, देखो पहले शेल में आएगी दो इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में कितने आएंगे, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे चार, दो और चार, फिर कितना हो जाएगा हमारा, छह बन गए पूरे। तो एटम कैसा बनेगा, एटम बनेगा पहले शेल में, देखो ये न्यूक्लियस मानेंगे हम, ये पूरा न्यूक्लियस मान लो, ये पहला शेल, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स, और ये दूसरा शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, छह इलेक्ट्रॉन्स, एक दो तीन चार पाँच और छः, इस तरीके से एटम बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं सोडियम लूँ, एन ए है इसका सिंबल, एटॉमिक नंबर कितना है 11, इसका मतलब 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब पहले शेल में आएंगे दो, दूसरे शेल में कितने आएंगे, मैक्सिमम आठ आ सकते हैं, हो गए 10, तो तीसरे शेल में आएगा एक, इस तरीके से एडजस्ट होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, वो ये कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो होंगे कितने, आठ, आठ से ज्यादा किसी भी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में नहीं होंगे, ये कंसेप्ट याद रखना है। अब देख लेना इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, हम बात करेंगे कैल्शियम की, कैल्शियम, कैल्शियम जिसका सिंबल है Ca और एटॉमिक नंबर है 20, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए, देखो ये के एल एम और एन, पहले शेल में मैक्सिमम कितने आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, दूसरे शेल में कितने आते हैं मैक्सिमम, आठ, हो गए कितने, दस। अब तीसरा शेल है, तीसरे शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 18, और अभी देखो 8 और 2 10, अभी इसका एटॉमिक नंबर 20 है, मतलब 10 अभी और इलेक्ट्रॉन्स के फ्री है, क्या यहाँ पर 10 आएंगे, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 10 डाल दिए, इसका मतलब ये तीन ही शेल में एडजस्ट हुआ, और आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आए, जो पॉसिबल नहीं है, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले में 2 रखे हमने, दूसरे में 8, और तीसरे शेल में हम सिर्फ और सिर्फ 8 ही रखेंगे, और चौथे शेल में फिर बच गए हमारे पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 और 8 10,
10, 18, 2, 20, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। याद रख लेना, अगर आपको कहीं भी आउटर मोस्ट शेल में दिख रहे हैं कि एडजस्ट हो रहे हैं कि इससे 8 से ज़्यादा, तो फिर आप यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नहीं एडजस्ट कर पाओगे। आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ 8 ही रखना है और फिर अगले शेल में उनको एडजस्ट कर लेना है। कहीं भी आप आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट नहीं कर सकोगे। तो इस तरीके से ये कहलाती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई होप आपको समझ आई होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी आपने बात की कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम होंगे कितने, 8 होंगे। अदरवाइज कम से कम कितना होगा, मतलब ये है कि आउटर मोस्ट शेल में या तो फिर एक इलेक्ट्रॉन होंगे या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो इसी चीज से, यही चीज पूरे के पूरे एटम को डिवाइड कर देता है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर देता है, एलिमेंट्स को डिवाइड कर देता है 3 हिस्सों में। वो हम बात करेंगे कि वो कौन से 3 हिस्से कहलाते हैं। देखो आउटर मोस्ट शेल में या तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5, 6, 7, 8। अगर इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 1, 3, 4 से कम है, मतलब 1 है, 2 है या 3 है, ऐसे वाले एलिमेंट को, ऐसे वाले एटम को हम मेटल कहते हैं। याद रखना, मेटल्स के केस में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 से कम होते हैं। जो भी नॉन मेटल होता है वहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे या 8 होंगे, यहीं से डिसाइड होगा। तो ये आएंगे हमारे नॉन मेटल्स। और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। देखना कंसेप्ट सीख लेना, यहाँ पर ये आए हमारे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, अब यहाँ से हम ये जो वैलेंसी है ना, ये वैलेंसी डिसाइड होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं, मैं तरीका बताता हूँ वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी मेटल के केस में देखो वैलेंसी क्या होती है, सबसे पहले कि एक एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है किसी दूसरे एटम के साथ, मतलब उससे उसको इलेक्ट्रॉन्स वो देता है या फिर लेता है खुद की स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को देता है या फिर किसी दूसरे एटम से लेता है अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी डिपेंड करता है ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देख लेना मेरी बात, अब बात करते हैं। सपोज मेरे पास एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही हो सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। याद रख लेना, अगर किसी के पास 4 है इसका मतलब देखो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए या तो ये पूरे के पूरे 4 के 4 दे देगा किसी को, तो पिछले शेल में उसको वो ऑलरेडी बैलेंस होगा, या तो फिर ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो अपना 8 पहुंचाएगा। बट अगर ये देखो 1, 2 और 3 ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास आउटर मोस्ट शेल में, ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो क्या होता है इसका सिंबल, पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 1। कोई भी एटम स्टेबल तब होता है अगर उसका फर्स्ट शेल है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उधर के बाहर है तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल है, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होता। देखो हमारे पास ये एक सोडियम है, इलेक्ट्रॉन्स कितने आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या जाएगा, इसको स्टेबल करने के लिए 2 तरीके, या तो ये क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लाए और अपने 8 पूरा कर दे, या तो फिर ये पूरा का पूरा 1 किसी को दे दे तो पिछले शेल में ऑलरेडी 8 है तो स्टेबल हो जाएगा। आसानी क्या है इसके लिए, आसानी है कि एक ही इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो भाई और अपने 8 बन जाएंगे, आप स्टेबल हो जाओगे, क्योंकि 7 लेना तो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो सिंपल है, 1 हो, 2 हो या 3 हो, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी भी
बराबर होती किसके, उन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी एक है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और स्टेबिलिटी हासिल करेगा। आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, स्टेबिलिटी हासिल करेगा। आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, वो तीन इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और आउटर मोस्ट अपनी स्टेबिलिटी हासिल करेगा। सिंपल है ये कि आउटर मोस्ट शेल में अगर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक है, दो है, तीन है या फिर चार है, तो उसकी वैलेंसी भी क्या कहलाती, उतनी होती है। क्योंकि चार है या तो फिर वो चार किसी से देगा या फिर चार लेगा तो वो स्टेबिलिटी हासिल करेगा। बट इससे आगे उल्टा है, अगर किसी की आउटर मोस्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन्स है, पांच इलेक्ट्रॉन्स है, अब देखो या तो इसको ये पांच के पांच किसी को देने हैं या फिर प्लस करेगा कितना, ये तीन, तो ये आठ बन जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो देखो अगर पांच है ना आउटर मोस्ट शेल में, तो ये आसान है इसके लिए कि ये तीन इलेक्ट्रॉन कहीं से ले और ये स्टेबिलिटी हासिल कर ले। छह है आउटर मोस्ट शेल में, छह है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी टू कहलाएगी। आउटर मोस्ट शेल में सात है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी वन आई। आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने चाहिए, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी स्टेबल है। तो सिंपल केस है, अगर मैं इसको रब कर दूं, सिंपल है कि जो वैलेंसी है वो इक्वलेंट है किसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। अगर वो है क्या, एक, दो, तीन या चार, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है या दो है या तीन है या चार है, तो वैलेंसी बराबर है उनके। बट अगर, बट ये वैलेंसी बराबर है किसके, एक्स लिख लो आप या फिर लिख लो एक्स माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक्स मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक्स जो है ये ग्रेटर देन है फोर, मतलब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक्स, एक्स मतलब पांच है, तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो आप, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे, या तो फिर वैलेंसी आएगी आठ माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन है फोर के। अब ठीक है, देखो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है या दो है या तीन है या चार है, मतलब मेटल और मेटलॉइड के केस में, तो आपकी वैलेंसी बराबर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। बट अगर आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन फोर है, मतलब पांच छह या सात आठ है, तो वैलेंस, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, आठ माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल में बताऊंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एक एटम में छह, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, आप इसका फार्मूला लगेगा आठ माइनस सिक्स बराबर आएगा टू, तो वैलेंसी आई टू। इस तरीके से आप वैलेंसी निकालोगे। तो सिंपल है मेटल्स और नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स इनके केस में वैलेंसी बराबर होती किसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ, नॉन मेटल के केस में एक होगा, दो होगा या तीन होगा, और मेटलॉइड्स ही है, सॉरी ये है मेटलॉइड, मेटलॉइड या इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इसकी वैलेंसी होती है चार और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी चार। बट अगर नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पांच छह या सात या फिर आठ, और वैलेंसी बराबर होगा आठ माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से आप वैलेंसी निकाल दोगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बात करेंगे हम आइसोटोप्स पे, आइसोबार्स पे और आइसोटोन्स पे। सिंपल है, आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनका क्या रहता है, सेम रहता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब सेम नंबर ऑफ, सेम रहते हैं क्या, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर सेम है बट मास नंबर, मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, इसको बोलेंगे हम आइसोटोप्स। देखो टेक्निक बताता हूं मैं आपको, यहां से तीसरे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड से देखो, तीसरे पी, पी आया प्रोटॉन, आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। यहां पे तीसरे लाइन नंबर पे देखो ए, ए से हम डिनोट करते हैं किसको, ए से हम डिनोट करते हैं मास नंबर को, मतलब आइसोबार्स वो होते हैं जिनका क्या रहता है, सेम मास नंबर, मास नंबर, एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब आइसोटोन्स, आइसोटोन्स ये एन आया, एन क्या है, एन फॉर न्यूट्रॉन, इसमें क्या होगा, सेम क्या रहेंगे, सेम न्यूट्रॉन्स रहेंगे। सिंपल टोप्स, पी आया सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
आइसोबार्स ए आया, ए है मास नंबर, ए फॉर मास नंबर, एटम्स हैविंग सेम मास नंबर आया आइसोबार्स। आइसोटोन्स एन आया यहाँ पे तीसरे नंबर पर, यहाँ से एंड से, एन फॉर न्यूट्रॉन, तो एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उन्हें हम आइसोटोन्स कहलाएंगे। इस तरीके से अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होगी तो ये टेक्निक याद रखेंगे। आइसोटोप सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन पी है, आइसोटोन ए है यहाँ पर सेम नंबर ऑफ सेम मास नंबर, आइसोटोन्स एन है यहाँ पर एन फॉर न्यूट्रॉन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया जिसमें हमने तकरीबन सारी चीज़ें सीख ली एटम के रिलेटेड जो कि कंपिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यहीं पर हमने क्लास 9th की केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया। आपको ये लेक्चर्स कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स।